नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवध फार्मलैंड्स में। आज हम लखनऊ के करोरवा गांव में आए हुए हैं, जहां पे हम एक प्रगतिशील कृषक जो कि पिछले 25 सालों से मेंथा की खेती कर रहे हैं, आपसे इनका परिचय कराएंगे। तो नमस्कार भाई साहब, आप अपना एक बार परिचय देंगे। नाम जय प्रसाद, ग्राम करोरवा पोस्ट नगराम जिला लखनऊ के रहने वाले हैं हम। तो आप कितने साल से इसकी खेती कर रहे हैं? इसकी सर कम से कम 20-25 वर्ष से इसकी खेती हम लोग करते चले आ रहे हैं। हाँ। और अब काफ़ी उन्नत पर पहुंचे हैं। अच्छा। पहले तो थोड़ा बीज कम सही था, तो 5 ही लीटर निकलता था, फिर जब कोसी आई तो वरायटी 20 किलो ना, तो फिर किसान को ज़्यादा फायदा होने लगा। अच्छा। अब धीरे धीरे जो है बहुत सी वरायटी आई, जिसमें सिम उन्नत जो है ये ज़्यादा अच्छी वरायटी आई है। ये जो वरायटी ये बगल में खुदाई हो रही है जी, हाँ। आप सिम उन्नत के शक्कर सप्लाई करते हैं लोगों को? जी हाँ। कोई भी बंदा चाहेगा तो वो आपसे ले सकता है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए आपसे तैयार कर पूछ रहा हूँ कि लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसकी नर्सरी डाली जाए, कैसे खेत की तैयारी की जाए। नर्सरी सर जो है खेत को समतल कर लिया जाए और उसमें जो है मतलब मेड़े डाल दी जाए 2-3 थे, और एक बिसुए में कम से कम 20 किलो बीज इसमें बोया जाए, जिसमें कि पानी लगाकर हम लोग जो है खेत में पानी लगा देते हैं, जब पानी तो वहीं लिए बेसार बैठे रहते हैं, और जैसे ही मतलब पानी सोख लेता है तुरंत इसकी बीज की बुआई कर देते हैं। अच्छा। या फिर ऊपर से झाड़ू वगैरह से इसको जो है मतलब छाप देते हैं। हाँ। ताकि मतलब जो है इसमें मतलब बीज चिपक जाए जी, और बस वो उगाते हैं। और ऊपर से कुछ छिड़काव करना है गोबर की खाद का? नहीं सर, अगर चाहे तो कर सकते हैं, ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन उससे खरपतवार कुछ ज्यादा जम जाते हैं। और खेत बनाने से पहले उसमें गोबर की खाद अच्छे से मिला लें? जी हाँ हाँ हाँ। और फिर पानी भरने के बाद जब वो पानी सूख जाए जी हाँ, तब उसमें डालें? जी हाँ। जैसा कि मैं देख सकता हूँ आपके जी, ये नर्सरी में है जी। देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छी मेड़ बनी हुई है हाँ। ये पानी के लिए, ताकि इसमें पानी को कंट्रोल किया जा सके जी हाँ। बिल्कुल समतल है जी। और जब पानी सूख गया उसके बाद इसमें जी हाँ। ये इसकी जड़ों का फैलाव की फैलाया गया जी हाँ। और इसको पैर से भी दबा सकते हैं टाइट पड़ने पर। हाँ, ये दबाया जाना जरूरी है ताकि ये ऊपर ऊपर ना रहे हाँ, और ये मिट्टी के टच में रहे, ताकि ये जल्दी से जल्दी इसमें जमाव हो जाए, नीचे जड़े बने और ऊपर पत्ते निकलने शुरू हो जाए। तो दोस्तों, एक बिसवा खेत में करीब 20 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी, और इससे आप एक बीघा में बो सकते हैं। मैं बड़े बीघे की बात कर रहा हूँ आपको, जो लोग का हिसाब अलग है मैं उनको बता दूँ, ये बीघा वो है जिससे एक हमारे यहाँ 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है जी हाँ। यानी अगर आप 1 एकड़ के हिसाब लेंगे तो 30 किलो बीज जी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।